दोस्तों ये आ गए हम अपनी साइड पे। जैसा सीमेंट के ना लगा ले नहीं, सीमेंट के ना ये एक हॉस्टल है इसलिए नहीं लगा है। और ये करीब 100 गज में बना हुआ है। और ये इसका स्टेप है, सीढ़ी है और इसका वॉशिंग एरिया है। इसका वॉशिंग एरिया है। और ये इसकी गैलरी है। और इसका फर्स्ट बेडरूम है। और इसमें 11 सी अलमारी भी है जिसका साइज करीब 3.5 फीट बाय 7 फीट है 2 बंदे के लिए। और ये इसका बाथरूम है। और इसमें डायवेटर भी लगा रखा हमने। और इसमें एक गीजर है और एक सोलर है और एक टैंक का पॉइंट है। और यह है 4 फीट बाई 6 फीट की किचन। और इसका सेकंड बेडरूम है। इसमें भी एक अलमारी है यहाँ पे। पीओपी वर्क किया है हमने। इसका सेम किचन है 4 बाई 6 का। और ये बाथरूम है। और ये इसका थर्ड बेडरूम है। और इसमें भी ऐसे ही अलमारी है। और इसका बाथरूम है। और ये इसका किचन है। और अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर। और ये डबल ग्रेनाइट पत्थर लगाया सीढ़ी पे। और ये डबल मोल्डिंग है। ये आ गए हम फर्स्ट फ्लोर। हमने की एक गैलरी दी है। इसका ये फर्स्ट फ्लोर में पहला बेडरूम है। पीओपी का डिजाइन है। इसमें भी ऐसी ही अलमारी। और ये बाथरूम। और ये किचन।
और ये हमारा सेकंड बेडरूम फर्स्ट फ्लोर का। और ये किचन, और ये बाथरूम। और इस कमरे की अलमारी, और एक खिड़की में हमने डबल मोल्डर ग्रेनाइट लगाया। स्काई फर्स्ट फ्लोर का थर्ड बेडरूम, इसके अलमारी, और इसका किचन, सॉरी बाथरूम। हर कमरे में 40 दरवाजे लगे हुए स्टील के, और एक गैलरी में हमने टाइल लगा रखी है। और सेकंड फ्लोर के लिए सीढ़ी जा रही है ऊपर। और ये थर्ड फ्लोर के लिए हमें सीढ़ी यहाँ पर बना के छोड़ दी है। जब कल को हम इसको थर्ड फ्लोर बनाएंगे तो इसकी छत तोड़ के ऊपर कर देंगे, तो हमें सीढ़ी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आ गए हम छत पर। ये हमारी छत है। शुक्रिया बहुत बहुत दोस्तों।